गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का छठा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेसिकली पाइप नेटवर्क के एनालिसिस है और हार्डी क्रॉस मेथड पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका 1996 में 20 मार्क्स में आया था। 20 मार्क्स ही काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पाइप की एक नेटवर्क गिवन है। नेटवर्क में कौन कौन सी पाइप यूज़ हो रही है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और बी डी। इस तरीके से हमारा ये सारा पाइप यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हमें इस नेटवर्क को एनालिसिस करना है और ये फाइंड करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पाइप में, ईच पाइप में कितना होगा। हेड लॉस की जो रिलेशन दी गई है वो दिया गया है, हेड लॉस इज इक्वल टू के इंटू क्यू टू द पावर एन। अब देखिए, पहले हम लोग ये जान लेते, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते कि हार्डी क्रॉस मेथड होता क्या है और ये कहाँ पर यूज होती है। बेसिकली हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कई तरह के पढ़े थे, जैसे कि पहला था हमारा डेड एंड सिस्टम, फिर हो गया हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम, फिर तीसरा था हमारा सर्कुलर या फिर रिंग सिस्टम, और चौथा था हमारा रेडियल फ्लो सिस्टम। इस तरीके से हमारा सिस्टम्स था पाइप नेटवर्क का। तो हम लोग पाइप नेटवर्क को क्या कहते हैं कि पाइप का एक जाल बिछाना है। पहले हमारा मेन पाइप आएगा, फिर सब मेन, फिर आ जाएगा ब्रांच, ब्रांच के बाद आएगा लैटरल। इस तरीके से हमारा पाइप्स जो है इनकी पूरी नेटवर्क हमें बिछानी होती है। तो हार्डी क्रॉस जो एक व्यक्ति थे उन्होंने इसको एनालिसिस किया था, हार्डी क्रॉस ने, और हर एक जंक्शन में कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है उन्होंने इसे डिटरमाइन किया था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जंक्शन में पानी जो होता है, जंक्शन का मतलब होता है कि दो पाइप्स जहाँ पर मिल रहे हैं उसे हम लोग जंक्शन कहते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना जंक्शन में इनफ्लो हो रहा है और कितना उस जंक्शन से आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि जंक्शन में तो ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे बुक्स में पढ़ते हैं कि एक ही जंक्शन में दो पाइप कनेक्टेड होंगे या फिर तीन। एक जंक्शन में कई तरह की पाइप कनेक्टेड होते और बहुत ही मल्टीपल पाइप्स कनेक्टेड होते, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम हार्डी क्रॉस मेथड की यूज़ करते। ये थोड़ा सा उसकी बेसिक था। अब इसमें जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अगर आपको किसी भी पाइप नेटवर्क को सॉल्व करना है तो आप क्या करते, एक जंक्शन लेते हो, जंक्शन से जो है देखते हो कि उसमें कितना पानी इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, उस हिसाब से उस जंक्शन से या फिर उस नोड से कौन कौन से पाइप निकला है उसमें आप पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जैसे अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोड ए में अगर 100 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का पानी एंटर करता है, तो सपोज़ आप ये कर सकते थे कि आप ए बी में 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड देते हैं और ए डी में 60 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे कि वो इक्वली डिवाइड कर देते पानी को, इसमें भी 50 आएगा, इसमें भी 50 आएगा करके। मतलब ये सारे एजम्पशंस के बेसिस पे है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली पाइप में फ्लो कितना हो रहा है। हम जब कैलकुलेट करते जाएंगे तो लास्ट में हमें करेक्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशंस को हमें हमेशा ही सेटिस्फाई करवाना है। अगर 40 इन हो रहा है तो 40 आउट होगा, इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे या फिर ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज़ कहीं पर जो फ्लो हो रहा है वो 40 हो रहा है और आपने उसमें जो पाइप में फ्लो को माना है 60, यानी कि आपने 20 ज़्यादा मान लिया है, अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे वो डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा और इतना कम हो जाएगा कि वो 0 के बराबर हो जाएगा या फिर 0.01 इस तरीके से हो जाएगा। तब आप अपना जो इटरेशन प्रोसेस होता है या फिर आपका जो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस होता है उसे आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखते प्रॉब्लम को देखते, देखिए
तो यहाँ पर ये लूप गिवन है। लूप में मैंने जैसे बता दिया कि जंक्शंस जो है हमारे ए बी सी डी है, और पाइप का नाम तो मैंने बता ही दिया है। के एक कांस्टेंट होता है, के का वैल्यू हर एक पाइप के लिए दिया गया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है के। और यहाँ पे ये जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए इससे पहले हमने जो इक्वेशंस डिराइव किया था हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन में, एक इक्वेशन मैंने डिराइव किया था 32 F² L² L (g)π² g (d^5), जिसमें हमारा ये जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन था वो क्यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एच एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। आप एक बार वो इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। 32 F(L³² / π² g(d^5). इसमें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो था वो क्यू स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल था। क्यू टू द पावर एन का मतलब होता है एन जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके बाद हम एजम्पशन लेंगे कि जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। अब नोट को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है उस हिसाब से पहले हम ए बी बी सी सी डी ए डी इन सब में क्या करेंगे, जो वाटर की रेट है या फिर फ्लो जो हो रहा है उसे फाइंड करेंगे। अब ए में वाटर जो है, अब एक एक जंक्शन को आपको देखना है। पहले आप क्या करेंगे, जंक्शन ए को देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसी तरीके से देखिए। जंक्शन ए में 50 m³/s वाटर जो है वो इन कर रहा है। इन मतलब एरो मार्क जो होगा वो इनसाइड देखा गया होगा या फिर उस जंक्शन के और दिख रहा होगा, तो फिर आप उसे इनफ्लो मानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एरो मार्क जो है ए की ओर दिखा रहा है, इसलिए यह आपका इनफ्लो है, आप इसे 50 मानिए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अज्यूम करूँगी कि जो इस 50 में से ए बी पाइप में 25 m³/s वाटर जाएगा और ए डी में 25 m³/s वाटर जाएगा। अगर कोई कहेगा कि मैं इक्वली डिवाइड ना करके इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा, जैसे कोई कह सकता है कि मैम क्या मैं इसे 23 27 इस तरीके से नहीं ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपका ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तब आप उसे इस तरीके की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जंक्शन बी में जाएंगे। जंक्शन बी में देखिए ए बी की ओर से उसके पास 25 यूनिट वाटर आ रहा है, 50 वाटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बी में, तो इसके पास टोटल कितना हो गया, 25 + 50 जंक्शन बी के पास हो गया 75। अब ये जो 75 है, कुछ अमाउंट इसमें से बी सी की ओर जाएगा और कुछ अमाउंट बी डी की ओर जाएगा। जैसे सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि 25 जो है वो बी डी की ओर जाएगा और 50 जो है वो बी सी की ओर जाएगा, ठीक है। अब 25 जब डी जंक्शन की ओर जाएगा, बी डी से बी जंक्शन से ऑलरेडी 25 आ रहा है, तो डी जंक्शन में कितना आएगा, इनफ्लो आएगा 50, लेकिन डी जंक्शन में आउटफ्लो कितना हो रहा है, 25। इसका मतलब 25 जो है डी जंक्शन से आउटफ्लो होगा जो कि बी सी की ओर जाएगा। वैसे ही बी सी से, बी से हमारा 50 आ रहा था सी जंक्शन की ओर, तो टोटल सी जंक्शन की ओर कितना आ जाएगा, बी सी का 50, डी सी का 25, ये हो जाएगा 75। तो सी से हमारा आउटफ्लो होगा 75। इस तरीके से आप नेटवर्क को एनालिसिस करना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अजम्पशन लिया था, अजम्पशन कैसे करेक्ट होंगे या फिर रॉन्ग होंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो डिफरेंस है हमने जो सोचा था और जो एक्चुअल वैल्यू है उस डिफरेंस को बस हमें कम करते हुए जाना। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इटरेशन करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से हम इटरेशन करते हुए जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम थर्ड इटरेशन करते हैं, वो मार्क पे डिपेंड करता है। अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता तो आप इसमें 2 इटरेशन कर देते तो हो जाता, लेकिन ये 20 मार्क्स का है इसलिए आपको 3 इटरेशन्स यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इटरेशन में मैंने सपोज लूप लिया ए बी डी ए, लूप यहाँ पर आप देख सकते हैं,
लूप है आपका ए बी डी ए, ठीक है। अब इसमें पाइप को मैंने लिखा, पाइप को मैंने एक ऑर्डर में लिखा, देखिए ए बी, उसके बाद बी डी, फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी ए। इस तरीके से मैंने इसमें लिखा ए बी, ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, बी डी भी क्लॉकवाइज है इसे हम पॉजिटिव लेंगे, डी ए ये जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसमें हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। देखिए 25 25 और -25, उसके बाद के का वैल्यू जैसे क्वेश्चन में गिवन है आप उसे पुट कर दीजिए। हेड लॉस फाइंड करना है, हेड लॉस के लिए आप के इंटू क्यू स्क्वेयर कर दीजिए और फिर उस सबको ऐड कर दीजिए, समेशन ऑफ एच एल आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एच एल बाई क्यू ए, ये वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आपका डेल्टा आ जाएगा, यानी कि चेंज कितना हुआ है, डेल्टा आपका फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, माइनस ऑफ समेशन ऑफ हेड लॉस डिवाइडेड बाय एन इनटू समेशन ऑफ मॉड ऑफ एच एल बाई क्यू ए वन, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसे फाइंड कर सकते हैं। एन जो है यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पे पहले जब क्वेश्चन शुरुआत कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये एक्चुअली के इंटू क्यू स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, तो एन यहाँ पर हमने 2 लिखा था, तो इस हिसाब से डेल्टा जो है -2.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इसमें से जो हमारा क्यू ए की वैल्यू है इसमें से इस डेल्टा को माइनस कर देना होगा, तो 25 में से 2.5 जाएगा, तो पहले तो 22.5 आएगा। आप बी डी में हम वैल्यू को नहीं फाइंड करेंगे, ए बी में फाइंड करेंगे और डी ए में फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप बी सी डी बी में चले जाएंगे, लूप हमारा जो होगा वो होगा अभी बी सी डी बी। अब आप खुद से बताइए बी सी पे जो हमारा डायरेक्शन है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा, वैसे ही अगर सी से डी की ओर जाएंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव होगा, फिर डी से बी की ओर जाएंगे तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, के वैल्यू एच एल वैल्यू सिमिलरली आपको फाइंड करना है। अब हमने कौन सा जो कॉलम है वो नहीं भरा है, डी बी का, डी बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर बी डी, पहले हम बी डी को फाइंड करते हैं। देखिए बी डी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लो है 25 है और उसमें हमारा जो एरर है या फिर जो हमारा डेविएशन है वो लूप ए बी डी के लिए कितना है, -2.5 है, ठीक है, 25 में से तो -2.5 कर देंगे। सिमिलरली इसमें जो डेविएशन है ये कितना है हमारा, ये है आपका -12.5, ठीक है, तब ये तो माइनस होगा 12.5 किसके लिए, डी बी के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी के लिए, तो डी बी और बी डी ऑपोजिट डिरेक्शन है, अगर डी बी में माइनस है तो बी डी में ये प्लस हो जाएगा, है ना, डी बी में अगर माइनस है तो बी डी में ये प्लस हो जाएगा, तो हम में से क्या लिखेंगे, 25 -2.5 और इसका जो है डेल वन का +12.5 लिख देंगे। प्लस क्यों लिखेंगे ये समझ में आया आपको, ठीक है, तो आंसर आपका 35 हो जाएगा। अगर बी डी में 35 होगा तो डी बी कितना हो जाएगा, ऑपोजिट होगा, तो -35 होगा, मैंने यहाँ पर इसे -35 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही सेम आपको सेकेंड इटरेशन करना है। अब सेकेंड इटरेशन में आप जो अज्यूम करेंगे फ्लो को, वो आपने अभी जो फाइंड किया है उससे, उस कॉलम से उसको भरना है। ये देखिए सेकेंड इटरेशन में सेम थिंग, आपको लूप सिलेक्ट करना है, लूप में पाइप्स का नाम लिखना है, फिर आप क्यू ए वन लेंगे, कौन से लेंगे वैल्यू, ए बी, देखिए पहले हमारा 22.5 आया था, 22.5 लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 35 -27.5, इस तरीके से लिखेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे। अब ये जो रिपीट करने के बाद प्रोसीजर हम देखेंगे कि क्या वैल्यूस हमारा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर लूप ए बी डी ए को आप लेंगे, इसमें जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है, 19.8। अब इस लूप में देखिए जब फर्स्ट इटरेशन में आपने किया था, ए बी का वैल्यू कितना है, 22.5, मतलब डिफरेंस तो अभी भी है 2-3 का। मैंने आपको जब शुरुआत में ही कहा था कि
डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 0.01, 0.001, इस तरीके से अगर डिफरेंस रहेगा तो हम हमारा जो प्रोसेस है उसे क्लोज कर देंगे। लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन करेंगे। ठीक है, अब थर्ड इटरेशन इस तरीके से करेंगे, तो थर्ड इटरेशन में अगर आप देखेंगे तो ए बी में वैल्यू कितना आ रहा है, 19.7। अब सेकेंड इटरेशन में कितना आ रहा था, 19.8, मतलब लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है, 0.1 का इस तरीके से डिफरेंस है। अब एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, यहाँ पर तो मैंने एक ही डेसिमल लिया है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, ये बहुत बड़ा टेबल हो रहा था। लेकिन आपको अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप डेसिमल के बाद चार वैल्यू, पाँच वैल्यू, इस तरीके से अगर लेंगे तो आराम से दो इटरेशन में आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक आपका वैल्यू सेम ना आए आप तब तक इस प्रोसीजर को रिपीट करना। तो ये थर्ड इटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, नेटवर्क को ड्रॉ किया। अब नेटवर्क में ए बी कितना था, 19.7, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया। बी सी सी डी इसी तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका हार्डी क्रॉस मेथड था। थैंक यू।